कनाडा और भारत के बीच तनाव बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में अब चीन की एंट्री भी हो गई है। चीन पहली बार हिंदुस्तान के पक्ष में खड़ा दिखाई दे रहा है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या मामले में भारत पर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के आरोप को चीन ने पश्चिमी देशों का एजेंडा बताया है। चीन के मुताबिक भारत का फायदा लेने के लिए उस पर दबाव बनाने की यह अमेरिका समेत पश्चिम देशों की रणनीति है। उनके गठबंधनों के पाखंड को उजागर करता है, जिनमें कनाडा भी शामिल है। आपको बता दें, 18 जून 2023 को कनाडियाई नागरिक और खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने संसद में बयान देकर भारत पर हत्या में शामिल होने का बेहद संगीन आरोप लगाया। हालांकि भारत ने कनाडा के इन आरोपों को बेतुका, प्रेरित और आधारहीन बताकर तत्काल खारिज कर दिया था। चीन का ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि कनाडा ने एक शीर्ष भारतीय राजनयिक, विदेश मंत्री मेलानी जोली ने देश में भारतीय खुफिया एजेंसी का प्रमुख बताते हुए बाहर निकाल दिया, मगर भारत ने भी उसी लहजे में कनाडा को सख्त जवाब दिया। भारत ने तुरंत घोषणा की कि उसने भारत में स्थित एक वरिष्ठ कनाडियाई राजनयिक को निष्कासित कर दिया है। चीन के इसी अखबार ने लिखा कि भारत और कनाडा के बीच मुख्य विवाद कनाडा में सिख समुदाय के आसपास केंद्रित रहा है, जिन्हें भारत खालिस्तानी कहता है और जो मोदी सरकार का विरोध करते हैं और सिख अधिकारों की वकालत करते हैं। इन्हें कनाडा में प्राश्रय मिल रहा है। हाल के सालों में अलगाववादी खालिस्तान आंदोलन का पुनरुत्थान भारत और कनाडा के बीच विवाद का एक प्रमुख मुद्दा बन गया है, जिससे उनके द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। दोनों देशों के बीच चल रही तनातनी ने भारत कनाडा के संबंधों को और खतरे में डाल दिया है। पर्यवेक्षकों के मुताबिक भारत में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात का नहीं होना ही दोनों देशों के रिश्तों में खतरे का संकेत था। अब कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के आरोपों के बाद ये मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। चीन ने इस विवाद को अमेरिका और पश्चिमी देशों के गठबंधन की साजिश करार दिया है। चीन ने कहा है कि इससे अमेरिका के नेतृत्व वाली तथा कथित मूल्य आधारित गठबंधन प्रणाली की कमजोरी और उजागर हो रही है। दरअसल अमेरिका ने दोनों देशों के विवाद पर बयान दिया था कि वो कनाडा के दावों से चिंतित है और भारत से जांच में सहयोग की अपेक्षा करता है। इस पूरे घटनाक्रम पर चीन ने अमेरिका को जमकर खरी खरी सुनाई है। चीन ने इसे भारत के साथ पश्चिमी देशों, विशेषकर अमेरिका का पाखंड बताया है। कहा है, वर्तमान में भारत पश्चिम के लोगों के लिए उपयोगी है, इसलिए वो स्थिति का फायदा उठा रहे हैं। दरअसल ग्लोबल टाइम्स ये भी लिखता है कि पश्चिमी देश मानवाधिकारों के रक्षक होने का दावा करते हैं और अक्सर मानवाधिकार संबंधी मुद्दों पर दूसरे देशों की आलोचना करते हैं। भारत के लोकतंत्र के लिए उनकी प्रशंसा मुख्य रूप से भू राजनीतिक हितों और भारत को उनके चीन विरोधी गठबंधन में शामिल करने की इच्छा से प्रेरित है, जबकि पश्चिम में कई लोग भारत की धार्मिक और अल्पसंख्यक नीतियों का समर्थन नहीं करते। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।